स्मरण तिरंगा यात्रा संजीव सक्सेना के नेतृत्व में निकली यात्रा का उद्देश्य जो इस देश के लिए शहीद हुए उनका स्मरण युवाओं को अवश्य होना चाहिए। इस अवसर पर प्रवीण सक्सेना ने कहा, हमारे युवा उन शहीदों को अपने दिल में स्मरण करें एवं इस भारत को अखंड भारत बनाएं। साथियों ने हमारे जो शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और अपना लहू बहा दिया हमारी आज़ादी के लिए, आज इसलिए हम आज़ाद वतन में सांस ले पा रहे हैं, उन सभी की एक झलकियां झांकी बना के हम लोगों ने इस यात्रा में शामिल किया। भारत माता के रूप में हमारी ये जो कलाकार हैं इन्होंने अपना रूप धरा और इस तरह से हम हजारों नौजवान साथी हम लोगों ने आज 5,000 तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट करके कोशिश की थी। बरसात हुई लेकिन युवाओं ने ये देख लिया कि जिन शहीदों ने अपना लहू बहाया हमारे लिए उनके लिए बारिश में अगर आना मतलब उनको सम्मान देने जैसी बात है, उनको नमन करना, तो हमारी यात्रा आज सफल हुई। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि न केवल हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने उस उम्र में प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिस उम्र में 22 साल 21 साल 19 साल 23 साल, ये बहुत अद्भुत है। और उन लोगों की क्या दिमाग रहा होगा, क्या मस्तिष्क, क्या विचार, क्या सोच रही होगी, उनसे हमको प्रेरणा लेके एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए हर एक युवा साथी यहाँ जो आया है उसको समृद्ध बनाना होगा। और राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर गुजरें, इन शहीदों की जीवनी को देखकर, इन शहीदों के जो उन्होंने आज़ादी के लिए जो किया उसको देखकर हम सीख लें, प्रेरणा लें, ताकि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति हमारे मन में बनी रहे। और हम कोशिश करें कि सारे युवा साथी समृद्ध हों, रोजगार उन्मुखी रहें, रोजगार मिले उनको, आगे जाएं, अपने माता पिता को गर्व से सीना चौड़ा कर सकें और इस देश के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने जो है आह्वान किया था, यहाँ भारत माता की आरती हुई, उसके बाद हमने समाप्त किया।